उधर नगर निगम ने सड़क पर आवारा घूमते हुए कुत्तों पर कार्रवाई करते हुए एक अभियान की शुरुआत की है ताकि ये आवारा कुत्ते लोगों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। इन कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है ताकि कुत्तों से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव की तरफ से कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि कुत्तों की जनसंख्या कंट्रोल हो सके और रेबीज को कंट्रोल कर सके। साथ साथ हम इसमें ARV एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगा रहे हैं कुत्तों को। दिन में कितने कुत्ते पकड़े लाते हो आप? हमारे इस शेल्टर पे जो हमारा बसाई वाला शेल्टर है इसमें लगभग 35 से 40 कुत्ते डेली नसबंदी की जा रही है। जहाँ से उठाते हैं वापस वहीं छोड़ के आते हैं। उनको खिलाना पिलाना बिल्कुल यहाँ पे आज उठा के लाएंगे, कल उनको खाली पेट रखेंगे, उनकी नसबंदी करेंगे, अगले दिन उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे रखेंगे और फिर उससे अगले दिन अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं है तो उसको रिलीज करते हैं। कैचिंग टीम जहाँ से उठा के लाती है वो सारा रिकॉर्ड होता है, वापस वहीं छोड़ के आती है। में आवारा घूमने वाले कुत्तों की अब खैर नहीं, गुड़गांव नगर निगम ने AWBI के तहत चलाया कुत्तों का पकड़ने का अभियान। कुत्तों को पकड़कर उनकी की जा रही है नसबंदी। कुत्तों की संख्या पर कंट्रोल करने के लिए गुड़गांव नगर निगम कर रही है नसबंदी। लगभग एक महीने में 1000 कुत्तों की जा रही है नसबंदी। देखना यही होगा गुड़गांव नगर निगम का यह अभियान कहां तक सक्षम हो पाता है या नहीं। कैमरामैन चिराग गुल के साथ मैं सूरज धवन, खबरें अभी तक।